So welcome to Baiju's exam prep, or rather, what should I say? Welcome to this Sunday super special by Saurabh, right? तो मेरा नाम है सौरभ जुनेजा, आप जुड़ गए मेरे साथ और आज है रविवार। थोड़े आश्चर्यचकित आप होंगे कि आज रविवार को मैं कैसे आ गया। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि सेशन जो हम करते हैं अपना YT पर, जनरली मेरे जितने भी सेशंस हैं और वो हमेशा ही समय पर होते हैं। और कहानी कुछ यूं है कि मेरी क्लासेस होती हैं हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर सैटरडे शाम के 7 बजे। तो यहाँ पर एक चीज तो मैच हो रही है कि शाम के 7 तो बज रहे हैं, लेकिन दिन आज ना तो ट्यूसडे है, ना ही थर्सडे और ना ही सैटरडे, क्योंकि मुद्दा ये है कि इस ट्यूसडे को मैं उपलब्ध नहीं हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मंगलवार वाली क्लास जो है संडे कर ली जाए। तो बस इतना सा मोटिव था आज के भाई क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वादा है तो निभाना तो पड़ेगा ही, राइट? तो हफ्ते में 3 बार मेरा आपसे मिलने का प्रॉमिस है और इसी प्रॉमिस को बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मेंटेन करूँ। तो ट्यूसडे ना मिलके मैं संडे आपसे मिलूंगा, ठीक है? मतलब सिर्फ आज, सिर्फ इस संडे, बिकॉज कमिंग ट्यूसडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, राइट? तो चलिए दिनकर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन क्या है, और आज के सेशन में अगर आप देखें तो आज हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉलोड बाय सम एमसीक्यूज। तो अब हम 3 सेशंस जो हैं स्पेयर करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंडरस्टैंडिंग को, और इन 3 सेशंस के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आपको ओबी के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी एक झलक या उनके बारे में आपको बताऊं, और आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स यहां से मिल जाएगी जिसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स एग्जामिनेशन प्रस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? दूसरी बात ये कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद में कुछ एमसीक्यूज भी आपके संग शेयर करूंगा, तो वो एमसीक्यूज भी उनको भी हम आज देखेंगे, राइट? तो ये हमारा एजेंडा रहेगा और इस तरीके से हम आज का क्लास एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एप्लीकेशन पर अभी मैं फ्री सेशंस लेता हूँ हर वेंसडे और हर फ्राइडे को दोपहर 1 बजे। तो अगर आप डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम एप्लीकेशन पे हफ्ते में 2 दिन और कनेक्टेड रहेंगे। तपस्विनी जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? और एक और छोटा सा इनपुट कि आप मेरे संग और मेरे दिव्यानी और मेरे और दिव्यानी मैम का एक हमारा टेलीग्राम का चैनल है फॉर मैनेजमेंट पेपर 2, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं और वहां पर भी आपको जितने भी नोटिफिकेशन हम शेयर करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत गुड इवनिंग आराधना जी। तो आज हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में। हम कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स और थ्योरीज को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनैलिटी को। तो ये 2-3 चीजों के मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स दूंगा, आप बस कागज कलम और रजिस्टर लेके तैयार हो जाएं। कुछ होमवर्क भी मैं आपको दूंगा और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है क्या। तो यहाँ पर इधर से जो है 2 से 3 बार देखा गया है कि डेफिनेशंस को पूछा जाता है कि ओबी और एचआर में क्या फर्क है, और ओबी के कुछ डेफिनेशंस बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो अगर हम समझना चाहें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम अगर बोलें तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, लेकिन कहाँ पर? खास किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में। भाई जिस तरीके से हम अपने घर में बिहेवियर करते हैं या अपने दोस्तों के साथ बिहेवियर करते हैं, लेकिन हम जब ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी या किसी ऑफिस के अंदर होते हैं तो हमारा बिहेवियर जो है वो बदल जाता है। तो जब हम मैन पावर या लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और पुष्पा जी, हिंदी में ही वार्तालाप हो रही है और इंग्लिश में कॉन्टेंट है, तो सबका भला। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो यू कैन सी व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन, हिंदी मीडियम से हैं तो मैं आपसे हिंदी में बात कर ही रहा हूं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नहीं तपस्विनी जी, संडे को छुट्टी रहती है मेरी, लेकिन चूंकि ट्यूसडे मैं नहीं आ पाऊंगा इसीलिए संडे को,
ठीक है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात है, इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी एक आइडेंटिटी माना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी एक एंटिटी माना जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड हाउ पीपल बिहेव इन इट इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली टू HR प्रोफेशनल्स बट ऑल्सो टू ऑल दोज हु आर अ पार्ट ऑफ इट। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार इसके अराउंड आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन करने को मिल जाएगा। देखिए, ह्यूमन के नेचर को समझना या लोगों का बर्ताव समझना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केवल HR प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी नहीं है, ना ही उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि उन सारे लोगों की है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे की रिसोर्स होता है उसका मैन पावर, और जब मैन पावर का बिहेवियर एक ऑप्टिमम लेवल पे होगा, इंडिविजुअल बिहेवियर ऑप्टिमम लेवल पे होगा, ग्रुप का बिहेवियर ऑप्टिमल लेवल पे होगा, जिसके चलते ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और क्लाइमेट डिसाइड होगा, उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बिहेवियर होगा। जब ये तीनों कंड्यूसिव और पॉजिटिव होंगे तभी जो है प्रोडक्टिविटी और आउटपुट हमारा बेटर हो सकता है। इसीलिए केवल HR का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को स्टडी करें। तो इस विचार के आसपास आपको स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू या असर्शन या रीजन देखने को मिल सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट जो है वो एक डेफिनेशन है, फ्रेड लुथान्स ने ये डेफिनेशन दिया है। ध्यान से देखें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अंडरस्टैंड करने के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो भी को स्टडी करने का, कि हम किसी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाए कि गिवन अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, गिवन अ सर्टेन सिचुएशन, अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो मैन पावर किस तरीके से बिहेव करेगी, किस तरीके से वो एक्ट करेंगे। तो ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में समझने के बाद हमारा अगला मोटिव है कि हम किसी तरीके से प्रिडिक्ट कर पाए कि अगर ये सेटअप हुआ तो ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से निकल के आएगा। और फाइनली हम प्रिडिक्शन के साथ साथ हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कंट्रोल भी करना चाह रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि सम टोटल में जब सब लोगों का आपस का इंटरेक्शन हो वो एक प्रोडक्टिव इंटरेक्शन हो लोगों को, कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तो ये थॉट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करने का, ठीक है। हिस्ट्री का मेरे को आइडिया नहीं है पुष्पा जी, और क्योंकि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं देखता हूँ। पेपर वन के क्लासेस तो चल ही रहे हैं, आप एक बार हमारा पेज देख के स्केड्यूल देख लेंगे, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये तो थॉट है। अब आती है बात कि ओबी के एलिमेंट्स क्या हैं, यानी किन किन चीजों ने कॉन्ट्रीब्यूट या किन किन चीजों को मिलाकर जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एलिमेंट्स हैं। तो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर डिस्कस्ड बिलो, यानी कि किन चीजों को हम बेसिकली क्लोजली स्टडी करते हैं, किन चीजों से मिलकर हम ये समझ सकते हैं कि और ये जो फैक्टर्स हैं ओबी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉयज हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल सिस्टम को भी स्टडी करेंगे हम, और एनवायरनमेंट को भी स्टडी करेंगे जिस एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एक एक करके इनको थोड़ा तसल्ली से देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पीपल और एम्प्लॉयज की। सो पीपल मेक अप द इंटरनल एंड सोशल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स आर डायनामिक एंड दे वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो लोगों को स्टडी करना जरूरी है, उनसे ही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनेगा, और क्योंकि उनसे ही काम होना है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल सिस्टम की तरह किस तरीके से काम होगा, ग्रुप डायनामिक्स क्यों, क्योंकि ग्रुप आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा, इस चीज को भी हम कंसिडर करेंगे। दूसरा जो एलिमेंट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिफाइंस द फॉर्मल रिलेशनशिप्स ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिफाइंड है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, किसके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, किसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा वाइड है, किसका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉल यानी कि वर्टिकल है या शॉर्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल है, लाइन है, स्टाफ है, मैट्रिक्स है, वर्चुअल है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ये हमें
एक तरीके से इंडिकेशन देगा कि आपस में लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे और उनके बीच का रिलेशनशिप यानी कि फॉर्मल रिलेशनशिप कैसा होगा। उसके बाद आता है तीसरा एलिमेंट जो कि है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सच एज मशीन्स एंड वर्क प्रोसेसेस प्रोवाइड दी रिसोर्सेस विद विच पीपल वर्क एंड अफेक्ट दी टास्क दैट दे परफॉर्म। पहले अगर हम बात करें तो आज से करीब 30 40 50 साल पहले टेक्नोलॉजी का इतना इम्पैक्ट नहीं था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारी कम्युनिकेट करने के तरीके को बदल दिया। टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत ज्यादा फास्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन का रूप भी बदल गया है। वन टू मैनी, मैनी टू वन कम्युनिकेशन भी फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया। टेक्नोलॉजी की वजह से हम ग्रुप टास्क को जल्दी कर सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट जल्दी कर सकते हैं, इसीलिए टेक्नोलॉजी का बहुत भारी इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। अगला जो एलिमेंट है दैट इज सोशल सिस्टम। इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है दी सोशल सिस्टम डिटरमाइंस दी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एनवायरनमेंट लाइक पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन अलोन इट्स जॉब। लोग या ऑर्गेनाइजेशन अकेले अकेले काम नहीं कर सकते, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के भीतर रहकर ही काम करवा सकते हैं हम। और ये एक सोशल सिस्टम जब बनेगा इसी तरीके से काम बनेगा। देखिए जैसे कि हमारा पड़ोस होता है, जिस तरीके से मोहल्ले में हम रहते हैं, इस शहर में हम रहते हैं, तो हमारा एक सोशल सिस्टम है, हमारा एक अनसेड प्रोटोकॉल होता है बिहेवियर का, काम करने का। तो उस सोशल सिस्टम्स के चलते ही काम होते हैं, लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सोसाइटीज बनती हैं। आपने देखा होगा कि लोग किटी पार्टी करते हैं, लोग गेट टूगेदर्स करते हैं, बहुत सारे क्लब्स फॉर्म करते हैं, तो दैट इज एन आउटकम ऑफ सोशल सिस्टम। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है किस तरीके का सोशल सिस्टम है जो कि डिसाइड करेगा कि वर्क का एनवायरनमेंट कैसा होगा। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग अच्छे से हंसते खेलते बोलते हैं, काफी सारे मोटिवेटेड होते हैं, और कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में एक दूसरे की टांग भी खींचने वाले लोग होते हैं, जिसको ऑफिस पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, राइट। तो सोशल सिस्टम जो है ये डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट किस तरीके का होगा। और जो आखिरी एलिमेंट है दैट इज द एनवायरनमेंट। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट विद इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल किस तरीके का एनवायरनमेंट है वो भी काफी हद तक इम्पैक्ट करेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को। तो ये क्वेश्चन अगर आए कि ओबी में किन किन एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं या कौन से एलिमेंट्स ओबी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये पांच एलिमेंट्स पीपल या एम्प्लॉइज, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सोशल सिस्टम और एनवायरनमेंट, ये पांच एलिमेंट्स। कौन कौन जुड़ गया है, सुमित जी गुड इवनिंग, सुनील जी बहुत बहुत गुड इवनिंग, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और मैं आपको एमसीक्यू की जगह जो है एक प्रॉपर लेक्चर दे रहा हूँ टॉपिक के ऊपर, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। चलिए तो अब जहां पर जो अगला क्वेश्चन जो आ सकता है, जिससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल्स यानी किस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को देखा जा सकता है, ठीक है। तो मॉडल्स, तो अगर हम मॉडल्स की बात करें तो पांच बड़े सुप्रसिद्ध मॉडल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझने के, और अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को ये पांचों के पांचों मॉडल समझाते हैं। अब ये जो पांच मॉडल्स हैं ये खास तौर पे इस तरीके से लिखे गए हैं, मैं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने नोट कर लेना है कि ये पांच मॉडल्स पूछे जा सकते हैं। तो पांच मॉडल में सबसे पहले तो आ गया ऑटोक्रेटिक मॉडल, दूसरा आ गया कस्टोडियल मॉडल, तीसरा आ गया सपोर्टिव मॉडल, चौथा आ गया कॉलेजियल मॉडल, और पांचवा आ गया सिस्टम्स मॉडल। तो ऐसा समझिए कि जब हम यहां से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कंट्रोल इम्प्लॉयज के ऊपर एक तरीके से कम होगा टॉप मैनेजमेंट का, और वो खुद से अपने आप सेल्फ ड्रिविन काम करने में ज्यादा आपको काम दिखेगा, यानी कि ऑटोक्रेटिक मॉडल में कंट्रोल सबसे ज्यादा होगा और पीपल विल बी वेरी लेस सेल्फ ड्रिविन, उनको ज्यादा कंट्रोल से हम चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे कॉलेजियल और सिस्टम मॉडल की तरफ, तो वहां पे टॉप मैनेजमेंट का या बॉसेस का कंट्रोल अपनी टीम पर धीरे धीरे कम होगा और टीम अपने आप विलिंगली मोटिवेटेड होके अपने आप से काम करेगी और धीरे धीरे अपने काम को अंजाम देगी और उस तरीके से बिहेव करेगी। तो
इनको अगर एक कॉन्टिन्यूम पे ड्रॉ करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑटोक्रेटिक मॉडल में और सबसे ज्यादा लूज कंट्रोल जो है सिस्टम्स मॉडल में, आप ऐसा सोच सकते हैं इस कंसेप्ट को याद करने के लिए। हालांकि मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो ये टेबल से आपको समझ में आएगा, तो सबसे पहले जो है किन किन पैरामीटर्स पे हम इन मॉडल्स को देख सकते हैं। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है ना पावर के अराउंड बेस्ड है, ठीक है, और यहाँ पे मैनेजर्स जो है अपनी अथॉरिटी को यूज करते हैं, अपनी पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं। इम्प्लॉयज से एक्सपेक्टेड होता है कि वो ओबीडियंट हो, जो भी उनको बोला जाए वो एग्जीक्यूट करें। इम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट में जो है कि इम्प्लॉयज हमेशा अपने बॉस या अपने सुपीरियर पे ही डिपेंडेंट है। कोई भी काम अगर होना है तो वो वेट करेंगे कि हमको आदेश मिलेगा तभी हम काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इम्प्लॉयज की जो नीड्स हैं वो सब्सिस्टेंस, यानी कि भी उनका रोटी कपड़ा मकान का खर्चा बस निकल जाए, इस बात को देखकर जो है ऑटोक्रेटिक मॉडल दिमाग में रखते हैं कि बस इनकी बेसिक नीड्स पूरी करें। उसके बाद परफॉर्मेंस यहाँ पे मिनिमम है, जाहिर सी बात है। परफॉर्मेंस क्यों मिनिमम है? क्योंकि जितना बोला गया है उतना ही करेंगे। हर काम के लिए बॉसेस पे डिपेंडेंट है, ओबीडियंट है, लेकिन हर चीज के लिए डिपेंडेंट है अपने सुपीरियर पे। तो मिनिमम परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखा जाएगा कि यहाँ पे ये लोग विलिंगली अपने आप से काम नहीं कर रहे। तो जितने के जैसे कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हो गए, वहां पे 8 से 8 घंटे की शिफ्ट है, काम बोला है मैं करूंगा नहीं करूंगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बेहतर मॉडल माना जाता है कस्टोडियल मॉडल। देखिए इस मॉडल की नेगेटिव क्या है कि यहाँ तो परफॉर्मेंस कम है, आदमी सब्सिस्टेंस के लिए काम करता है और खुद से कुछ भी विचार नहीं जनरेट करता, हर चीज के लिए वो बाध्य है। लेकिन अगर हम कस्टोडियल मॉडल की बात करें तो वहां पर जो बेसिक है मॉडल का वो है इकोनॉमिक रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर अथॉरिटी नहीं, यहाँ पैसा बोलता है। तो भैया ज्यादा काम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, इस तरीके से। और साथ साथ जो है इम्प्लॉय के ओरिएंटेशन जो है वो सिक्योरिटी और बेनिफिट्स की तरफ ज्यादा है कि भाई चलो ठीक है नौकरी है, सब्सिस्टेंस के लिए तो चीजें मिल ही रही हैं, मेरे को सिक्योरिटी और एडेड बेनिफिट्स जैसे कि इंश्योरेंस, इस तरीके की चीजें मेरे को मिलेंगी एक्स्ट्रा। अब वहां पर वो अपने बॉस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसको दे रही है उस पर ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि तो वो ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को ज्यादा जुड़ा हुआ और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ देखता है। सिक्योरिटी के नीड्स यहाँ पे पूरे हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम एम्प्लॉय नीड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हम मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी है वो यहाँ पे आपको दिखती मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप देखें कि बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, स्टेटस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस तरीके से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। ऐसे आपको याद करना आसान होगा। तो सिक्योरिटी की नीड जहां मीट होगी, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो पैसिव कोऑपरेशन होगी, यानी कि इससे तो बेहतर होगा लेकिन अभी भी पूरा मन से काम नहीं हो रहा, क्योंकि तो उसको पता है कि भाई मेरे लिए जो है अब काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो होगा लेकिन पैसिव कोऑपरेशन होगा। पुश करेंगे तो कोऑपरेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में बैक ऑफिस में लोग होते हैं, वो जनरली कस्टोडियल मॉडल यहाँ पर ज्यादा ऑब्जर्व किया गया। अब इन दोनों मॉडल से बेहतर है सपोर्टिव मॉडल। ये क्या मॉडल है? यहाँ पर जो है लीडरशिप के हिसाब से काम होता है, यहाँ पर जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स है दैट इज नॉट पावर, दैट इज नॉट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बट लीडरशिप इज द बेसिक ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे मैनेजर का काम जो है वो अथॉरिटी यूज करना नहीं, पैसे के दम पे काम करवाना नहीं है, यहाँ पे मैनेजर का मेजर रोल है लोगों को सपोर्ट करना। और यहाँ पर इम्प्लॉय ओरिएंटेशन जो है वो जॉब परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है, यानी कि जितना बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे उतना आपको ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा। और चूंकि जॉब परफॉर्मेंस यहाँ पे इम्प्लॉय ओरिएंटेशन के पीछे एक कारण है, इसीलिए जो है पार्टिसिपेशन यहाँ लोगों का, एम्प्लॉयज का यहाँ बढ़ जाएगा। पार्टिसिपेशन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आदमी स्टेटस और रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पे ज्यादा काम करेगा, ना कि केवल सब्सिस्टेंस और सिक्योरिटी की जरूरत पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस जहाँ पे अवेकेंड ड्राइव, जाने के आदमी सेल्फ अवेयर हो गया कि मुझे भी अब परफॉर्मेंस करनी है, खुद से उसके अंदर ये भावना अब आएगी। तो जितना मिडिल लेवल मैनेजमेंट ज्यादातर केसेस में देखते हैं वो आपको सपोर्टिव मॉडल वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है एक और उससे बेहतर मॉडल जिसको हम बोलते हैं कलेजियल मॉडल या कॉलेजियल मॉडल। यहाँ पर लीडरशिप की बात नहीं आती, यहाँ बात आती है इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन की, यानी कि यहाँ पर बॉस सुपीरियर और जूनियर और सीनियर का भेदभाव खत्म। एवरीबॉडी सीज देमसेल्फ्स एज द पार्टनर टुवर्ड्स वर्किंग टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। और जब पार्टनरशिप की फीलिंग आएगी तो जाहिर सी बात है टीम वर्क
निकल के आएगा। और इम्प्लॉयज अब जॉब की परफॉर्मेंस को देख के बात नहीं कर रहे, अब वो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और मेरा परफॉर्मेंस और मेरा काम जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया जॉब परफॉर्मेंस को लेकर। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि खुद से ज्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है दी। तो यहाँ पर एक ये मेजर शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि कोई डंडा नहीं कर रहा, कोई आपको बोल नहीं रहा कि ऐसा करो वैसा करो, तो सेल्फ मोटिवेटेड है एम्प्लॉय, खुद से डिसिप्लिन है और उसका जो मोटिव है किस तरह की नीड्स वो मीट करना चाहता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स मीट करना चाहता है। एंथुजियाज्म है, मॉडरेट है और अपने आप से ही रन करते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट्स कई बार आपने देखा होगा कि कॉलेजियल मॉडल को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें इन सबसे ज्यादा बेहतर और इन सबसे लेटेस्ट, या कह लीजिए कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में आइडियल मॉडल माना जाने वाला है सिस्टम्स मॉडल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका मतलब है कि सिस्टम्स मॉडल तो बेस्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स हैं। हमको काम किस तरीके से करवाना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक डायरेक्शन या गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से क्या एक्सपेक्टेड है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉडल ज्यादा सूटेबल होगा। फौज में या आर्मी में अगर हम बात करें तो कॉलेजियल और सिस्टम मॉडल काम नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि नहीं। फायर फाइटिंग अगर कोई करने गया तो वहां पर भी जो है सिस्टम्स और कॉलेजियल मॉडल काम नहीं करेंगे, वहां पे हमको अलग तरीके से काम करना है। सरकार में जहां ब्यूरोक्रेसी होता है वहां पे जाहिर सी बात है आपको फिर से सिस्टम्स और कॉलेजियल मॉडल नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कोई स्टार्टअप है जहां चैलेंजेस हैं, लोग आपस में मिलके बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपको ऑटोक्रेटिक और कस्टोडियल मॉडल देखने को नहीं मिलेंगे, नहीं तो स्टार्टअप ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो सिस्टम्स मॉडल में कम्युनिटी में आपस में ट्रस्ट होता है, एक दूसरे को लेकर केयरिंग और कंपैशन होते हैं, साइकोलॉजिकल ओनरशिप होती है। तो ज्यादातर लोग जो किसी कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं या एनजीओ में काम कर रहे होते हैं, वहां पर जो है आपको ज्यादा सिस्टम्स मॉडल देखने को मिलेगा कि वो सेल्फ मोटिवेटेड ही है और साइकोलॉजिकल ओनरशिप लगता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भैया मेरे हिस्से का काम कौन करेगा। और इम्प्लॉयज की जो बहुत सारी रेंज ऑफ नीड्स है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी है, उसके काफी सारे और नीड्स भी हैं जो अनस्टेटेड नीड्स है वो मीट होते हैं। और यहाँ पर क्या ड्राइव करता है, पैशन, कमिटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है कुछ जगाते हैं। तो बहुत सारे एनजीओ जहाँ पर लोग अपने आपस ही खुद से जुड़ जाते हैं, या फिर कोई बहुत ही पैशनेट स्टार्टअप हो कुछ यंगस्टर्स का, 4, 5, 6, 8 लोगों ने मिलकर बनाया और आगे लेके जा रहे हैं, वहां पर आपको ये मॉडल देखने को मिलेगा। तो आई होप ये डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया हो और ये मॉडल्स समझ में आ गए हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि संक्षिप्त में आपको समझा सकूं, और इस टेबल को याद रखिएगा। इसके बाद जो आपने होमवर्क में करना है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैनेजमेंट थ्योरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज पे सर एक डेडिकेटेड लेक्चर लेके आइए, तो आपका रिक्वेस्ट सर आंखों पे रहेगा। आप बस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तो मैं इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज को डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। हाल फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज को हम ब्रेक डाउन करते हैं 3 सेक्शंस में, क्लासिकल थ्योरीज, नियो क्लासिकल थ्योरीज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज में। क्लासिकल थ्योरीज में आपने कौन से थ्योरीज पढ़ने हैं, क्लासिकल थ्योरीज में आपने पढ़ने हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ठीक है। तो F.W. टेलर का साइंटिफिक थ्योरी, हेनरी फ्योल का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। उसके बाद आपने पढ़ना है हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट, जो कि एक नियो क्लासिकल अप्रोच के अंदर आएगा, और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आपको देखने को मिलेगा सिस्टम्स थ्योरी, सोशो टेक्निकल थ्योरी और अप्रोच, या फिर कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच, या फिर कंटिंजेंट थ्योरी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इनको हाल फिलहाल नोट कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर मैं एक डिटेल्ड लेक्चर लेके आऊं तो मैं बिल्कुल लेके आऊंगा, बट आपको एकदम लिखना पड़ेगा कि सर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे एक लेक्चर ले आइए। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज और ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स के बाद अब एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
पर्सनालिटी के ऊपर और पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर, ठीक है, पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर। तो इसमें से कुछ पर्सनालिटी टाइप्स और ट्रेट्स की मैं चर्चा करूंगा और यहां से हम आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनालिटी का डेफिनेशन जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टीवन पी रॉबिन्स का। वो बताते हैं कि पर्सनालिटी इज अ सम टोटल वे इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विद अदर्स। तो किस तरीके से मैं अपने मित्रों के संग, अपने परिवार वालों के संग, अपने दोस्तों के संग, अपने बुजुर्गों के संग, अपने कलीग्स के संग, लोगों के संग रिएक्ट करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, उन सबका सबका टोटल पूरे के पूरे मेरे रिएक्शन और इंटरैक्शन का मेरी पर्सनालिटी को दर्शाएंगे। अच्छा, एक बात और दोस्तों, क्योंकि ये YouTube पे हमारे को समय मिलता है सीमित, तो और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करिए। इन लेक्चर्स को मैं डिटेल में लेता हूँ ऐप पे एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे दोपहर को 1 बजे, और साथ ही साथ आप हमारे संग हमारे डिटेल्ड क्लासरूम प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हो। तो मैनेजमेंट का पेपर 2 सौरभपुरी सर, दिव्यानी मैम और मैं मिलके, हम 3 लोग मिलके 200 घंटे से ऊपर का आपको क्लासेस देंगे, जिसमें डिटेल में हम आपको 10 के 10 यूनिट करवाएंगे। तो अगर आप हो सके तो प्लीज वो डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें आपको एक अच्छा इंसाइट मिलेगा कि हम लोग किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो डिटेल लेक्चर ले आएंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। रोशनी और दिनकर जी, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया। अगला एक दो बार के बाद मैं आपको डिटेल लेक्चर दूंगा, अगली क्लास या अगली अगली क्लास। तो पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें जो है पर्सनालिटी को डिटरमाइन करती है, किन चीजों की वजह से पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है। सबसे पहला तो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारे बालों का रंग, हमारे स्किन का कलर, हमारी आंखों का रंग, हम कैसे, हमारा ढांचा क्या है, हमारी हाइट वेट, सब के सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स, यानी कि हमारा कल्चर, जो हमारा एक तरीके से रिलीजन है, हमारी कास्ट है, उस तरीके से इम्पैक्ट करती है हमारी पर्सनालिटी को। फैमिली फैक्टर्स, हम किस तरीके की फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पुअर फैमिली से आते हैं, बिजनेस क्लास फैमिली से आते हैं, जॉइंट फैमिली से आते हैं, सर्विस क्लास फैमिली से आते हैं, ये सब भी हमारे पर्सनालिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी, जिन लोगों के संग हम उठते बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, समय बिताते हैं, जिन बच्चों के संग आप स्कूल गए, जिन बच्चों के संग आप कॉलेज गए, तो जिन लोगों की संगत आपके संग सबसे ज्यादा रही, तो वो फैक्टर्स भी जो है डिटरमाइन करेंगे आपकी पर्सनालिटी। तभी बोलते हैं ना भैया, संगत और दोस्त सोच के बनाइए। देखिए, इस पे आप ज्यादा चॉइस नहीं है, ये तो आप लेके पैदा होंगे। कल्चरल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसको भी आप कुछ इनिशियल कुछ वर्षों तक तो नहीं चेंज कर सकते। एक बार आप व्यसक हो जाए, 18 के हो जाए, देन यू आर, मैं अच्छा हूँ, रूबी जी आप कैसे, एक बार आप बड़े हो जाए फिर आप डिसाइड करिए आपको कल्चर चेंज करना है कि नहीं। सिमिलरली फैमिली फैक्टर्स, आपके माँ बाप और आपका बॉस आप कभी चूज नहीं कर सकते। 3 चीजें हम कभी चूज नहीं कर सकते, अपने माता पिता, अपने बॉस को, और अगर हमें कोई जन्मदिन पे गिफ्ट दे रहा है तो ये हम चूज नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे लिए ज्यादा कंट्रोल में नहीं होगा इनिशियली। उसके बाद आप किसी अपने मनचाहे व्यक्ति से शादी कर लें, फैमिली का हिस्सा बना लें, वो बात की बात है। सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी से भी आप काफी हद तक इन्फ्लुएंस रहेंगे शुरुआती ये वर्षों में। उसके बाद जब हम जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे तो हम अपने दोस्त अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने रिश्तेदार भी काफी हद तक अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो वो इम्पैक्ट करेगा। और सिचुएशनल फैक्टर्स, सिचुएशंस भी हमको बहुत कुछ सिखाती है ना। आपने कई पिक्चरों में डायलॉग सुना होगा कि गरीबी ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, है ना, तो सिचुएशंस भी जो है सिखाती हैं। तो 5 डिटरमिनेंट्स आपको याद रखने हैं पर्सनालिटी के, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स, इसके अराउंड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसके बाद पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ मॉडल्स हैं, तो एक मॉडल मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक MBTI मॉडल भी है, माया ब्रिक्स टेस्ट इंडिकेटर मॉडल, उसमें 16 पर्सनालिटी टाइप्स का डिस्कशन हुआ है, मौका मिलेगा तो उसको भी डिटेल में लेंगे। लेकिन ओशियन मॉडल जो बोलते हैं, Big 5 मॉडल, तो अब ये मॉडल क्यों है इम्पोर्टेंट ये मैं आपको बता दूं। जब हम पर्सनालिटी के ट्रेट्स की बात करते हैं, ओके अमृता, आई एम सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट विच वन ऑफ दी स्लाइड यू फॉरगॉट, एंड वी वांट मी टू एक्सप्लेन देम इन इंग्लिश, विल बी ग्लैड टू डू दैट। सो इफ एनी थिंग दैट यू थिंक दैट आई हैव मिस्ड आउट एंड आई शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, प्लीज डू लेट मी नो, आई विल बी ग्लैड टू रिविजिट दैट स्लाइड इन इंग्लिश, माई प्लेजर।
सो यू कैन टेल आई बी वेटिंग फॉर योर इनपुट. ठीक है. सो मैं ये बोल रहा था कि ओशन मॉडल, तो पर्सनालिटी ट्रेट्स की जब बात होती है, तो हमारे अंदर कई दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं. एक तो वो ट्रेट्स होते हैं जो लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, और एक वो ट्रेट्स हैं जो अनडिजायरेबल ट्रेट्स हैं. तो डिजायरेबल मतलब ऐसे ट्रेट्स जो होने चाहिए, और दूसरा ऐसे ट्रेट्स जो हम अवॉइड करते हैं, सामने वाले के अंदर नहीं होने चाहिए. सो पर्सनालिटी ट्रेट्स में हम बेसिकली जब स्टडी करते हैं और जब क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, तो बेसिकली उनको हम पर्सनालिटी ट्रेट्स को दो कैटेगरीज में वी कैन सेग्रीगेट. दीज कुड बी आइदर पर्सनालिटी ट्रेट्स विच आर डिजायरेबल बाई द सोसाइटी, जिनको हम बोलेंगे सोशली डिजायरेबल ट्रेट्स, और वो ट्रेट्स जो अनडिजायरेबल है सोसाइटी, जिनको हम बोलेंगे सोशली अनडिजायरेबल ट्रेट्स. तो अगर हम सोशली डिजायरेबल ट्रेट्स की बात करें, तो उसमें एक मॉडल जिसको हम बिग फाइव ट्रेट्स बोलते हैं, ओशियन मॉडल, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये पांच ट्रेट्स के बारे में बात करता है. सबसे पहले तो ओपननेस, कि हमारी टेंडेंसी कि हम नई चीजें, नए आइडियाज, नए वैल्यूज, नए बिहेवियर्स के तरफ कितना ओपन है. दूसरा कंसियंशियसनेस, द टेंडेंसी टू बी केयरफुल ऑन टाइम फॉर अपॉइंटमेंट्स. हम कितने कॉन्शियस हैं चीजों को लेके, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो. टू फॉलो रूल्स एंड टू बी हार्ड वर्किंग. तीसरा है एक्स्ट्रावर्जन. एक्स्ट्रावर्जन का मतलब है कि हमारी टेंडेंसी लोगों के संग घुलने मिलने की, सोशेबल होने की, कहीं हम ए सोशल तो नहीं है, हमें सोशल होना चाहिए. हम दूसरों की कंपनी इंजॉय कर पाते हैं कि नहीं, हम कहीं दूसरों के संग समय बिताना पसंद करते हैं कि नहीं, नए लोगों से, अनजान लोगों से दोस्ती बनाना कितनी जल्दी हमको आसान लगता है. द टेंडेंसी टू हैव अ डोमिनेंट स्टाइल. और तीसरा है ओशन मॉडल में, तो ओ हो गया, सी हो गया, ई हो गया, तो ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन. अब आती है बात अग्रीएबलनेस, द टेंडेंसी टू अग्री एंड गो अलोंग विद अदर्स रादर देन टू असर्ट वन्स ओन ओपिनियंस एंड चॉइसेस. चार दोस्त मिले, एक ने कहा कि भैया ऐसा है आज जो है घूमने चलेंगे. आपने कहा ठीक है घूमने चलेंगे. तो आपने कहा कि एक काम करते हैं कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं, लेकिन बाकी लोगों का मत बना के पिक्चर देखने नहीं चलते, पिकनिक पे चलते. तो आप तुरंत मान गए कि चलो ठीक है पिक्चर कभी देख लेंगे, आज पिकनिक चलो. तो ये आपका एग्रीएबलनेस शो कर रहा है कि आप आसानी से अग्री कर जाते हैं फॉर द थिंग्स, राइट. देन द लास्ट वन इज न्यूरोटिसिज्म. ना अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये चार तो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, ये एक नेगेटिव ट्रेट है. और कंटिन्यूम में अगर हम बात करें, तो अगर एक जगह ओपननेस होगा तो उसका एक इनवर्स भी होगा, कंसियंशियसनेस होगा तो उसका एक उल्टा सीधा भी होगा. इसीलिए न्यूरोटिसिज्म में क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन सच एज एंगर. तो ये तो हाई होने चाहिए डिजायरेबली, और ये डिजायरेबली लो होना चाहिए. ठीक है. ठीक है ठीक है. आई एम ट्राइंग टू कीप अ बैलेंस, स्ट्राइक अ बैलेंस टू ऑल द एग्जांपल्स मेंशन्ड, सो डोंट वरी अजय कुमार. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इफ देयर इज एनी स्लाइड और एनी टॉपिक और एनीथिंग रिटन ऑन दिस स्लाइड व्हिच यू आर नॉट एबल टू गेट इट, do let me know. I'll be very much happy to explain the same in English as well. Right? So, aise aise karke chalenge. So, after I've read your comment, I've tried to mention everything in English also. So, in case if I have missed out on anything, please do let me know. Don't hesitate. ठीक है, I'm open to your inputs. So, don't worry. So, neuroticism is basically a trait which is undesirable. So, a person should be low on neuroticism, but he or she should be high on the four other traits, which is openness, conscientiousness, extraversion, and agreeableness. So neuroticism is basically the tendency to frequently experiment negative emotions such as anger, worry, and sadness, as well as being interpersonally sensitive. So some people who get angry easily, some people who get sad easily, some people who start crying for small and for no reason. So basically, bolenge they are very high on neuroticism. तो ये समझ में आया सबके, गिव मी अ यस अगर ये फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके समझ में आ गए हो तो. अरे इट्स ऑलवेज अ प्लेजर इंटरैक्टिंग विद यू गाइस, बिकॉज़ समटाइम्स इट इज अ टफ चैलेंज टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन बोथ द लैंग्वेजेस. इट्स नॉट बिकॉज दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग वन, बट द आइडिया इज दैट वंस वी कैच अ फ्लो इन फ्लो ऑफ स्पीकिंग समथिंग, we tend to stick to it. That is the only thing in my mind. So
So if the stream of thoughts is coming, so somebody has to stick to it. So that channelizes through a specific language. And there's been a, because in a class, when we teach in a class, we got separate batches. So I take an English batch separately and I take a bilingual batch always separately. So we are able to cater to both the audiences accordingly in a detailed classroom program. But since YouTube, we are open to our students, and we many a times you're not aware who's coming and who belongs to which part of the country, so it becomes more challenging. ठीक है, so don't tell it's taken. Your input is very much valid and very much to the point, right? So let's move to the next slide. So in this slide, हमने क्या बात किया कि about the desirable traits. Now, like the desirable traits, there are certain undesirable traits also. Now, what are these? Now, the dark triad or the three undesirable traits: psychopathy, Machiavellianism, narcissism. So, psychopaths can be seen, or these are socially undesirable traits. Psychopathy is basically when people are impulsive and when they are emotionally cold. In a cold-blooded murder, they are not emotional. They are not interested in what is happening in your life. They are in their own world. They are least interested, least bothered. So if they're going on a road and somebody is lying, maybe hurt or maybe met with an accident, they will be least bothered. They will not even look and see what has happened. Remorseless means they don't worry. Remorseless का मतलब है कि उनको जो है कोई regret नहीं है, कोई no guilt, there is no regret. ठीक है, सो व्हेन यू सी अ साइकोपैथ हैविंग सच अ ट्रेट, यू कैन से दैट यू नो दीज आर द पीपल जिनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो उनके इमोशनल एक्सप्रेशन जो है दे आर ऑलमोस्ट जस्ट प्लेन ब्लैंक. ओके, सो यू कैन सी इट दैट वे. आगे बढ़े और आगे देखते हैं, और उसके बाद आता है दूसरा ट्रेट जो कि है मैकियावेलिनिज्म का. सो मैकियावेलिनिज्म में हम देखते हैं पीपल हु आर वेरी मैनिपुलेटिव, मतलबी लोग, अपना काम निकाल लेते हैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके, आपको इमोशनली फूल बना के. दे आर ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन गुड, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन बेनिफिट. दे आर वेरी डोमिनियरिंग. डोमिनियरिंग मीन्स समबडी हु हैज अ डोमिनेटिंग एज. सो डोमिनियरिंग को आप ऐसे देख सकते हैं, समबडी यू नो हु इज काइंड ऑफ वेरी असर्टिव, जो बहुत ही डोमिनेंट है, अपनी बात मनवा के रहेगा. तो ये भी एक जो है अनडिजायरेबल ट्रेट हमारा है. तीसरा जो है नार्सिसिज्म का है. नार्सिसिज्म का ट्रेट जो है ये बेसिकली इस तरीके के लोग किस तरीके के एटीट्यूड्स को दिखाते हैं, ग्रैंडियोसिटी दिखाएंगे. ग्रैंडियोसिटी से मतलब है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो इम्पोजिंग हैं, जो चाहते हैं कि लोग मुझे नोटिस करें, जो हर बात में अपनी बढ़ाई पंपस है, पीपल हु विल बी टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स ओनली. तो इस तरीके से उनको सुपीरियोरिटी दिखानी होती है. दे वॉन्ट पीपल टू परसीव देम एज सुपीरियर्स. उनको लगता है कि नहीं, दे आर एंटाइटल्ड टू लॉट ऑफ थिंग्स इन दी वर्ल्ड. तो इस तरीके के लोगों को हम नार्सिसिज्म वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं. सो दीज थ्री पर्सनालिटी ट्रेट्स आर अनडिजायरेबल, सोशली अनडिजायरेबल ट्रेट्स: साइकोपैथी, मैकियावेलिनिज्म एंड नार्सिसिज्म. अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दैट टू पर्सनालिटी. ओके, so that is it. I'll try to do that, don't worry Dinkar. Fine, so this is it from my side when it comes to the classes. I hope आज का 40 38 40 minutes का content was really good and helpful. अब फटाफट करते हैं questions. अब मुझे बताओ, neo classical organization theory emphasized on which of the following? तो neo classical organization theory किस पर emphasize करता है? flat structure of an organization, a tall structure of an organization, coordination by hierarchy or unity of command. And don't forget to press the like button if you're enjoying the lecture. और आप चाहते हैं कि इस तरीके के combo sessions में और लेके आऊं जिसमें थोड़ा हम पढ़ाएं, followed by MCQs. So please do mention it and also do please like it so that we get to know the pulse of the students. तो question one का जो correct answer है, that is option ए, क्योंकि वहां पर हमसे पूछा गया है कि फ्लैट स्ट्रक्चर यानी कि कम से कम लेवल्स हों ऑर्गेनाइजेशन में. और क्यों कम से कम लेवल्स हों? क्योंकि न्यू क्लासिकल अप्रोच अंडरस्टैंड्स द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है. सिंस इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इट रिकमेंड्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर, यानी कि लोगों को बराबरी से ट्रीट करा जाए. तो
तो वो फ्लैट स्ट्रक्चर में ही हो पाएगा जब लेवल्स कम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन लेते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर प्रपोज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन रूल ऑफ थंब टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन है कि एफ डब्ल्यू टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने प्रपोज किया था और उन्होंने बोला था कि रूल ऑफ थंब जो है ये एम्फसाइज किया है। बताइए जी क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर टू में एक बार ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक थ्योरी में रूल ऑफ थंब नहीं करा गया है। उन्होंने बोला है विल बी यूजिंग साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब, जिसके चलते हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से हमारा मतलब है पहला तो सही है लेकिन रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑलवेज सेड के साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पर हमारा सी रहेगा सही ऑप्शन। ठीक है जी, सो ही सेड विल बी यूजिंग साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब। करेक्ट, तो यहां पर ये आपको दिखेगा। चलिए आगे बढ़े, अब टू मैच द आइटम्स नाउ। ये मैचिंग का सवाल है, कोशिश करें मैच करने की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स हमने अभी ही बात करी है आज आज की क्लास में, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव और कॉलेजियल मॉडल्स। आपको मैच करना है यहां पर सही आंसर, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव, कॉलेजियल। क्वेश्चन नंबर थ्री, आई एम अवेटिंग योर आंसर्स। तो सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स हमने पढ़े थे, कहां पढ़े थे हमने हमने पढ़े थे सेकंड वाले मॉडल में, जो कि हमारा था कस्टोडियल मॉडल। तो कस्टोडियल मॉडल में हमारा क्या है, सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, और ऑटोक्रेटिक मॉडल में हमारा क्या था, ओबीडियंस। हम हमेशा ओबे करते हैं अपने सीनियर को। तो कस्टोडियल मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स। तो बी का अगर आप टू मैच कर लें तो भी आपका काम इतने में ही बन जाता। दैट इज व्हाई आई सेड कि वी कैन क्रैक इट थ्रू कस्टोडियल मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल ए इज बेसिकली रिलेटेड टू ओबीडियंस। सी, सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है, जॉब का परफॉर्मेंस, और उसके भी ऊपर कॉलेजियल मॉडल में हम लोगों को देखते हैं अपने काम के प्रति समर्पित और रिस्पॉन्सिबल। सो एक्चुअली एनहांसेस शोज अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कि थ्योरीज की बात हो रही है और आपको मैच करना है। मैस्लोज नीड्स थ्योरी, हर्बर्ग्स थ्योरी, मैकग्रेगर थ्योरी, विलियम आउची थ्योरी। तो ये मोटिवेशनल थ्योरीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इफ यू कैन कनेक्ट और प्रोबेबली गिव द आंसर, दैट विल बी ग्रेट। बताएं, तो ये भी आसान है काफी, और मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। तो हर्बर्ग्स का टू फैक्टर थ्योरी था, यानी कि उन्होंने हाइजीन और मोटिवेशनल फैक्टर्स को बोला था। मैकग्रेगर थ्योरी वर्कड ऑन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जहां पे ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप की। तो बी का टू और सी का वन मुझे लगता है कि यही है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पर, और इस तरीके से आपको आपका आंसर बी यहाँ मिलेगा। मैस्लो का थ्योरी आपको पता ही है, मैं आपको ये हालांकि हम डिस्कस करेंगे तो आप मत परेशान होइए। मैस्लोस नीड थ्योरी ए बेसिकली इज असेंशियल टू सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि बंदा अपने ही डेवलपमेंट का पिरामिड आपने देखा होगा। और लास्ट विलियम आउची ने दिया था थ्योरी जेड। तो थ्योरी एक्स और वाई के बाद विलियम आउची ने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। तो जापनीज मैनेजमेंट गुरु है एक तरीके के, इन्होंने थ्योरी जेड दिया था। तो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय मोरल एंड सेटिस्फैक्शन। चलिए लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये रहा आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a hygiene factor of the Herberg's two-factor theory? इनमें से कौन सा एक हाइजीन फैक्टर नहीं है हर्बर्ग का टू फैक्टर थ्योरी? इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब सिक्योरिटी? मोटिवेशन थ्योरीज पर भी मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा, निश्चिंत रहिए, बट हाल फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करिए।
क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है सी। क्यों? क्योंकि देखिए हाइजीन फैक्टर्स यानी कि जिनके होने से मोटिवेशन तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिनके नहीं होने से आदमी डिमोटिवेट जरूर हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक हाइजीन फैक्टर नहीं है। सो हर्बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द मोटिवेटर्स फैक्टर्स विच विल मोटिवेट, एंड हाइजीन फैक्टर्स जो मोटिवेट तो नहीं करेंगे, लेकिन इनके नहीं होने से एम्प्लॉय डिमोटिवेट जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, मिक्स एंड मैच ऑफ थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा क्वेश्चन। और इस तरीके से बस आइए जुड़िए साथ में बढ़िए पढ़िए और हम धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट्स को कर लेंगे क्लियर। सो आई होप आज का सेशन अच्छा रहा होगा और आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि और किस तरीके के टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आई विल बी ग्लैड टू बी कनेक्टेड टू यू। और अभी मैं 2 से 3 सेशंस और लूंगा वो भी अकेले के, तो आप निश्चिंत रहिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम टच अपॉन करेंगे। और एप्लीकेशन पे आप जुड़ी सकते हैं और अगर इफ यू विश यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन दी डिटेल्ड क्लासरूम प्रोग्राम। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन अ संडे। आपने अपना प्रेशियस वीकेंड मेरे साथ बिताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलूंगा आपको अगले सेशन में जो कि होगा अब थर्सडे को। तो ट्यूसडे वाला मैंने आज कर लिया, थर्सडे को हम मिलेंगे फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।